गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी। मोहब्बत के दुश्मनों ने साला भैंसी बेच डाला। जितना भी अच्छा ढूंढ लो लड़का, खराबी मिलता है, कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको। अच्छी भी अच्छी बहू बन जाओ ना, ससुराल वाले कमी ही निकालते हैं। जो भी सब्जी लेने के लिए आते हैं, सब्जी वाले को भैया मत बोलिए यार। अच्छा। उन लोगों का दिल टूट जाता है यार। म्यूजिक भैया के पास ग्लास तो मिल गया यार, पैसा ही नहीं, 120 रुपया। तो गाइस स्वागत है मनीष नए से ब्लॉग वीडियो में। गाइस काफी टाइम से मैं दिल्ली में नहीं था, आज दिल्ली आ गया, नोएडा आ गया। और ये काफी टाइम से शर्ट नहीं पहना था, ये काफी टाइम के बाद पहना, लगभग एक महीना के बाद शायद पहने होंगे यार। चलो भाई आज हम चलते हैं बुध मार्केट, आज है बुधवार तो आज आ रहे हैं हम बुध मार्केट। देखते हैं भाई आज के ब्लॉग में क्या होता है यार, काफी टाइम से ब्लॉग में मम्मी पावर नहीं आ रहा था, शायद आज आ जाए। दिल्ली में आती ही शायद पावर आ जाए, नहीं क्या पता। तो चलो भाई चलते हैं बुध मार्केट, पास में ही लगता है, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यार आप सभी को मैं बता दूं कि ब्लॉग बनाने का आज भी मुझे मन नहीं है, साले को फोन से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए क्योंकि मैं ब्लॉग तभी बनाता हूँ यार जब पब्लिक देखते हैं, पब्लिक देखते है मुझे जोश आने लगता है, बट यार पब्लिक नहीं देखते तो जोश बहुत कम रहता है मुझे। इसके चलते देखते हैं यार आज पब्लिक है या नहीं बुध मार्केट में, होगा तो भाई जोश रहेगा ही एकदम फुल पावर में, और नहीं रहेगा तो भाई देखते हैं, कोशिश तो करेंगे यार। आप सबको ब्लॉग देना पड़ेगा ना रोज, डेली ब्लॉग देना पड़ेगा एकदम बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट। चलो भाई चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये आइसक्रीम जो है ना गर्म होना चाहिए, ठंडा तो मेरा दिमाग भी रहता है यार। तो गाइस यार यहाँ पे गोलगप्पा मिल रही है, आइसक्रीम खिलाते हैं। तो डालो चटनी डालो, पैसा भी लोगे? जरूर लेंगे। हम नहीं देंगे, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, नहीं देंगे यार, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, हाँ बर्तन माल देंगे। तो गाइस गोलगप्पा जो है ना चपटा होना चाहिए, पापड़ी जैसा होना चाहिए, खुला हुआ तो मेरा गाल भी है। नहीं ब्लॉग ब्लॉग है, बोल दो है। एक बार दिला दे। तो गाइज भाभी जी बोल रही है जितना भी अच्छा ढूंढ लो लड़का, खराबी मिलता है, कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको। जितनी भी अच्छी बहू बन जाओ ना, ससुराल वाले कमी ही निकालते। चलो भाई चलते हैं, हम भाभी जी का रिएक्शन ले लियो। तो गाइस भैंसी बेचने, सॉरी गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी, मोहब्बत के दुश्मनों ने साला भैंसी बेच डाला। तो गाइज मैं बता दूं आप सभी को, गांव में था तो यार इस मोबाइल का ग्लास ही नहीं मिल रहा था, असंभव। देखते हैं भैया के पास ग्लास मिलता है कि नहीं मोबाइल का। भैया ग्लास है S20 दिखाते हैं इसका। क्यों क्यों तो गाइज यार भैया के पास ग्लास तो मिल गया यार, पैसा ही नहीं, 120 रुपया। तो गाइज यहाँ पे गोलगप्पा मिल रही है यार, भैया जिसके पास पैसा नहीं है उसे खिला सकते हैं, बर्तन माज देंगे। अच्छा यार बर्तन माजने की सुविधा है यहाँ, ठीक है भाई खा लेते हैं, थैंक यू भैया, चलते हैं कल आते हैं। तो गाइज मैं बता दूँ आप सभी को, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई यार। मिल गई मेरी गर्लफ्रेंड। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो गाइज आम जो है ना, आम वो कच्चा होना चाहिए, पका हुआ तो मेरा दिमाग भी है यार। भैया
भैया भैया हेलो भैया हेलो, मकड़ी का जाल कैसे हैं भैया? मकड़ी का जाल भाई, मकड़ी का जाल 20 रुपया मिल रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइज कल मैं गांव से आया यार, 20 दिन गांव में रहा, काला हो गया मैं। तो गाइज एक ब्लॉग में मिला था ये लड़का, देखो ये लड़का को मैं जो एक पर्ची दिया था गुड्डू ब्लॉग्स नाम लिख करके, ये वही है। और ये मिल गया, बोल रहा है भैया आपको पहचान गए। ओके भाई चलो। तो गाइज जो भी सब्जी लेने के लिए आते हैं सब्जी वाले को भैया मत बोलिए यार, उन लोगों का दिल टूट जाता है यार, कोई भैया बोल देते हैं ऐसे तो लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मत बोलिए भैया, दिल टूट जाता है उन लोगों का। बोलिए एक्सक्यूज मी। तो गाइज मेरे साथ एक छनार छोरा जुट चुका है, छिनार छोरा लौंडियाबाद छोरा। विदाउट रिएक्शन एक गाना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 में, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे। तो गाइज मेरी गर्लफ्रेंड काली है, मैं उसको बार बार कहता हूँ यार फेयर मेरी सुनती है नहीं यार। इसलिए वो बोलती है हमेशा मुझे ब्लैक पसंद है। तो गाइज मैं अपने ब्लॉग में ज्यादातर रिएक्शन से कम डायलॉग बोला करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको रिएक्शन कम पर मतलब रिएक्शन पर ध्यान कम जाए और डायलॉग पर कम, मुझ पे ज्यादा, वही ना, इसके चलते हम डायलॉग ज्यादा बोलते हैं। तो भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग आप लोगों को, अगले ब्लॉग में इससे भी ज्यादा एंटरटेनमेंट कराने की कोशिश हम करेंगे आप सभी को। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। मेरे सामने वा